कहते हैं कि अपने आखिरी वक्त में इंसान को सिर्फ 2 गज जमीन की जरूरत पड़ती है। इंसान इस दुनिया में जो कुछ भी कमाता है, खरीदता है, सब कुछ यहीं रह जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जमीन को लेकर इंसान इतना पागल हो जाता है कि उसे परिवार, समाज, घर कुछ भी नहीं दिखता है। इस जमीन के चक्कर में इंसान कभी कभी किसी का कत्ल भी कर देता है। ऐसा ही जमीनी विवाद का किस्सा देखने को मिला देवरिया में, जहां जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरा इलाका दहल उठा। देखते ही देखते हालात इतने बद से बदतर हुए कि अभी तक 6 लोगों की हत्या हो चुकी है। बताया जा रहा है कि गोली मारकर और धारदार हथियार से हत्या की गई है। जैसे ही गांव के लोगों को घटना के बारे में पता चला, पूरे गांव में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में पुलिस को घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद गांव में तनाव को देखते हुए SP डॉक्टर संकल्प शर्मा समेत पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। बता दें कि पूरा मामला थाना रुद्रपुर के निकट फतेहपुर गांव का है, जहां दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी के चलते आज सुबह उनके बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस ने कुछ घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस वक्त फतेहपुर गाँव में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। 6 मौतों से पुलिस प्रशासन सकते में है। वारदात वाली जगह पर खुद DM SP समेत कई आला अधिकारी पहुंच चुके हैं। इतना ही नहीं, PEC के जवान भी मौके पर पहुंच चुके हैं। SP डॉक्टर संकल्प शर्मा ने कहा कि घटना की सूचना पर मौके पर PEC भेजी गई है। गांव में भारी पुलिस बल मौजूद है। एक पक्ष के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, रुद्रपुर तहसील के फतेहपुर गाँव के मजरा लेहड़ा में एक वारदात घटित हुई, जिसमें एक पक्ष से एक व्यक्ति को ये मृत बताया गया और दूसरे पक्ष के लोगों को जो पुलिस आई यहाँ पर अनकॉन्शियस पाई थी, जिनको मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मेडिकल कॉलेज में वो 5 लोग जो थे वहाँ पर डेड डिक्लेयर हुए। मैटर ये बताया जा रहा है कि इन दोनों लोगों के बीच में कोई आपसी रंजिश थी, क्योंकि जो प्रेम यादव थे उन्होंने जो सत्यप्रकाश दुबे उनके छोटे भाई से आज से लमसम 10-12 साल पहले कोई जमीन किराए की थी, जो कि 2018 में उसका मैटर सेटल आउट हो गया था। उसी जमीन को लेकर हल्का फुल्का दोनों के बीच में कहा सुनी हुई। ये घटना अतिरेक में हुई है, जिसकी हम लोग पड़ताल कर रहे हैं। 1 लोग या 2 लोगों की हम लोगों ने अरेस्टिंग कर ली है, बाकी लोगों को गिरफ्तार करने के लिए हम लोग कंटिन्यूस सर्विस दे रहे हैं। जैसे ही हम लोगों को कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हम आप लोगों को सूचित करेंगे। वहीं इस घटना के बाद ग्रामीणों ने जो कहा वो भी आपको सुनना चाहिए, सुनिए। घटना के बाद खौफजदा ग्रामीणों ने पूरा घटनाक्रम बताया। फतेहपुर का लेहड़ा टोला है, रुद्रपुर कोतवाली का गांव है। कुछ जमीन के विवाद थे और वो खेत देखने आए प्रेम यादव, जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य थे, इस गांव के प्रधान भी थे। और दुबे जी के घर से थोड़ा बहुत विवाद था। दुबे जी के घर के लोगों ने अपने दरवाजे पे बुलाया और उसको चाय पीने के लिए कहा। उसी बीच एक लड़की ने उसके ऊपर हमला कर दिया, वो गिर गया। उसके बाद प्रतिक्रिया में बहुत बड़ी जघन्य अपराध हो गया। उस गांव के लोग जुटे तो इनके यहाँ 6 लोगों की हत्या कर दी। अब मैं इस घटना पे दुख व्यक्त करता हूँ और साथ ही साथ ये चाहता हूँ कि दोनों परिवारजनों को अब भी सद्बुद्धि आए, ताकि ये इलाका, मेरे इलाके में रुद्रपुर में कभी इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं हुआ था। इस घटना पे हम अफसोस करते हैं और मृतक जनों को श्रद्धांजलि। घटना का कारण जमीन का विवाद था। जमीन एक दूसरे प्रेम यादव ने थोड़ा बैनामा लिया था और विवाद अब लगभग समाप्ति की ओर था। घर पे बुला के और प्रभु की मंशा थी कि ऐसे लोग इस समय घटना कर दिए, जहां पूरे दोनों परिवारों में ऐसा विवाद है कि दोनों परिवार ख़त्म हो जाएंगे। हम इस घटना पे गहरा दुख व्यक्त करते हैं, साथ ही प्रशासन से चाहते हैं कि अगर इसके परिवार में कोई जिंदा हो तो उसकी मदद की जाए और मृतक जनों के परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जाए। आए 6 बजे के आसपास पूर्व प्रधान जिला पंचायत सदस्य बैठी गए तो सत्यप्रकाश दुबे के घर से उनकी मारपीट की हत्या कर दी गई है। बाकी उसके बाद उनको जानकारी मिली है तो उनके गाँव के लोग आए हैं, आक्रोश में उनके घर के सारे सदस्यों को हत्या कर। ये कब की घटना है? सुबह 6 से 7 बजे के। कितने देर तक चला है दौड़? सुबह में कोई झगड़ा तो कोई देर तक जानकारी, सुबह में जी बारिश खुलाए थे, झगड़ा हुआ है उसमें कोई जानकारी मिली नहीं है। और जब एंटी पार्टी के लोग आए हैं तो उसमें आधा घंटा तक झगड़ा। कारण क्या?
जमीनी विवाद हो सकता है। किस तरह का जमीनी विवाद? उनके भाई साहब हैं जो अपना खेत दिए हैं, वही मैटर है। क्या नाम है उनके भाई का? साधु साधु नाम ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश और साधु उर्फ साधु। अच्छा, तो दोनों लोगों ने लिख दिए थे क्या? नहीं नहीं, ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश बस अपना हिस्सा उनपुर। अच्छा, वो जमीन कहाँ है? घर के सामने है। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार सर। वही घटना पर सीएम योगी ने भी दुख जताया है, साथ ही साथ आला अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए हैं कि आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाए। बता दें कि मरने वालों में एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं, जबकि दूसरे पक्ष से एक शख्स की मौत हुई है। ये हत्याएं गोली मारकर और धारदार हथियार से की गई हैं। जमीनी विवाद में सोमवार की सुबह इस वारदात को अंजाम दिया गया। घर के बाहर ही एक पक्ष के सभी लोगों को गोली मारी गई है। इन 5 लोगों की हत्या में धारदार हथियार का प्रयोग करने की बात भी सामने आ रही है। वही दूसरे पक्ष से जिस शख्स की हत्या हुई है वो पूर्व जिला पंचायत सदस्य है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। प्रेम यादव की हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों ने गांव के ही सत्यप्रकाश दुबे के घर में घुसकर 5 सदस्यों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड में एक लड़की की हालत नाजुक है, उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हत्याकांड के बाद दोनों ही पक्षों के घरों के साथ साथ पूरे गाँव में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देवरिया से विशाल चौबे की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।